सो इधर व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपके फैन फैंसी पोकेस्टर। आज की हमारी वीडियो होने वाली फेरी टाइप पोकेमॉन वर्सेस स्टील टाइप पोकेमॉन। और जिनको नहीं पता तो स्टील टाइप पोकेमॉन सुपर इफेक्टिव होते हैं फेरी टाइप पोकेमॉन पे। वो कैसे होते हैं वो तो मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ इफेक्टिव होते हैं इतना पता है। तो मैंने दिया कॉम्फी को जंगल। मतलब ये गेम बहुत ज़्यादा फनी है। ये कॉम्फी जंगल भाई, सिल्वियन जंगल नहीं कर रही, कॉम्फी जंगल कर रही है। सिल्वियन स्टैक करने जा रही है और कॉम्फी जंगल कर रही है। तो भाई अब देख लो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो पूरा तो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और गाइस आप भी ये वाला चैलेंज ट्राई करना और कॉम्फी को जंगल देना, देखते हैं आपका कॉम्फी कैसा खेलता है। और ये गेम में मैं इतना हंसा था क्योंकि कॉम्फी जंगल, क्योंकि ये है ही हंसने की बात। कॉम्फी ऐसा पोकेमोन है जिसको इतना बफ तो मिला नहीं और नर्व भरा पड़ा है उसका, उसका डैमेज होता नहीं, फिर भी मैंने उसको जंगल दिया और मैं यहाँ पर ये लेने आया हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड थिंग, बट हाँ मेरे स्टैक अच्छे खासे फुल हो गए भाई, ईजिली पीजिली स्टैक हो गए मेरे यहाँ पर। और वहाँ पर ऊपर कोई आया भी नहीं भाई स्टील टाइप में। तो और आई थिंक हाँ दोनों पोकेमॉन भी ऑनलाइन है अभी। तो भाई ऊपर कोई नहीं आया। कॉम्फी भाई, कॉम्फी जंगल करके अभी तक नहीं आया। कॉम्फी जल्दी आ जाए, उसके पास डैमेज नहीं, वो बेचारी जंगल भी जल्दी कैसे ही करे। नॉर्मल डैमेज पोकेमॉन को अच्छा खासा टाइम लगता है, तो भाई बिना डैमेज वाली पोकेमॉन कॉम्फी को तो क्या ही टाइम लगेगा भाई। ओके फाइनली कॉम्फी जंगल लेके आ गई, वो भी आधा अधूरा, एक तो छोड़ के आई है बेल्टॉय छोड़ के आई है उधर। बट मैंने ऑलमोस्ट सारी बीज ले ली भाई, चलो बहुत बढ़िया। और मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग कीज भी खुल चुका है, मेरे स्टैक तो फुल हो चुके हैं, फिर भी भाई मैं कंटिन्यूसली मतलब स्टैक करते ही जा रहा हूँ। अब नहीं करने वाला, अब बहुत टाइम पास हो गया, अब जल्दी से नीचे चलते हैं और उनके ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अब देखते वो लोग क्या कर पाते, क्योंकि भाई एक तो भाई कोई डैमेज ना देने वाली पोकेमॉन है और यहाँ पर मैंने एक्स अटैक रखा है, जो डैमेज देने वाला वो मैं ही दे रहा हूँ भाई। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और के हमारे कॉम्फी के पास स्लो स्मोक भी है, तो ये हमारे एक एडवांटेज भी था। और भाई ये आ गया। अब देखो मेरी हीलिंग तो बहुत अच्छी खासी होने ही वाली है इसके अंदर, क्योंकि ड्रेनिंग केस भी हील करती है और ये भी हील करता है। तो भाई ओके इसका मैजिकल लिफ आ गया, तो भाई अब स्टन भी आ चुका है हमारी टीम के पास। और भाई लिटरली कॉम्फी और मैंने मिलके इन लोगों को इतना गंदा मारा, अभी स्टार्टिंग में तो बहुत गंदा मारा। अरे भाई कॉम्फी स्टील क्यों कर रही है मेरी बहन। ओके जल्दी से गोल कर लेते हैं हम और कॉम्फी दोनों, और फिर वापस से ऊपर चलते हैं या फिर नीचे का पहले लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये आने वाला है। रेजी रॉक, रेजी आइस, रेजी स्टील जो भी आएगा वो हम ले लेंगे। ओके बट रेजी लैकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोच रहा हूँ रेजी लैकी लेने ही चलते भाई, क्योंकि रेजी लैकी ज़्यादा काम आता है, गोल करने में भी ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे बीज आ चुके, तो भाई जल्दी से बीज ले लेते। अरे यहाँ पे कोई और आ गया, एजी स्लैश आ गया। ओके भाई जल्दी से मेरे को यूनाइट चलानी होगी। और यहाँ पे भाई क्या ही फाइट होने वाली है अभी, बहुत खतरनाक वाली। भाई घुस जाओ भाई। ओके भाई मेरी एचपी बहुत कम है, मैं एक एचपी ऑलमोस्ट। अरे यार प्लीज़। ओके भाई मैं ख़त्म। और कॉम्फी तो भाई ऐसे भी मरने ही वाली है, बट हाँ कॉम्फी ने एक बंदे को तो मार दिया और कॉम्फी भी मर गई। ओके अब रेजिला के बस स्पॉन होने ही वाला है, तो सॉरी रेजिला के स्पॉन हो चुके हैं। तो भाई जल्दी से ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे कोई ले तो अभी तक तो नहीं रहा है, मतलब भाई एक एडवांटेज भी मिला, एक डिसएडवांटेज भी मिला। एडवांटेज है कि भाई हीलिंग बहुत है, बट डिसएडवांटेज ये है कि भाई कि अगर हीलिंग है तो भाई डैमेज देने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ, और मैं अकेला कितना ही डैमेज दूंगा। ओ शिट भाई अब ये ज़्यादा हो रहा है भाई, इसने मेरे मुंह पे अल्टी चलाई है, तो अब ज़्यादा थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि सीजर की अल्टी काइंड ऑफ बहुत अच्छी होती है। ओ शिट अब तो दो बंदे आ गए भाई, अब देख पाते। ओके कॉम्फी की अल्टी आ चुकी, तो भाई अब मेरी हीलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, ऊपर से कॉम्फी भी मेरे साथ है, तो और ऊपर से मैं अपने बेस में हूँ, तो हीलिंग तो भर के होने वाली है। और स्टन भी है हमारे पास, अरे थोड़ा पीछे जाना होगा। वो बहुत बढ़िया, अच्छे से डॉच कर लिया हमने ये, और ये दोनों ख़त्म, बहुत बढ़िया। ओके अब जल्दी से रेजिला के ले लेते हैं, मतलब हाँ भाई हीलिंग जो मिलती है सिल्वियन को उसके बाद तो सिल्वियन बहुत गंदा मारते हैं। अगर आप ये 2v2 ट्राई नहीं करना चाहते तो ये सिल्वियन और कॉम्फी ट्राई करो भाई। 2v2 मैं अकेले कर रहा हूँ भाई, मैं और कॉम्फी अकेले, मतलब समझ सकते हो कितना मस्त चल रहा है ये मैच। और भाई अब तो ये मरेगा ही मरेगा, एक्स अटैक आ चुका है मेरा, तो अब तो मैं इजीली ख़त्म कर सकता हूँ। ओके ख़त्म। एक्स अटैक आने के बाद तो भाई इसका अटैक तो अलग ही लेवल पर चला जाता है, इनके एजी स्लैश पता नहीं कहाँ है। ओके आ चुका है अब तो, अब तो ये आया, फिर भी भाई अब जाएगा ये सीधा, कि अब ये बचने नहीं वाला। और कॉम्फी ये रेजिला की तीनों एक साथ स्टन देने वाले, मतलब डैमेज देने वाले। ओके अब जल्दी से गोल करते 40 का, बहुत बढ़िया गोल भी फोड़ दिया हम लोगों ने। और ओवरटर्न भी बहुत अच्छा खासा हुआ है, 30 का ओवरटर्न हुआ है, क्योंकि 12 का गोल था। और जल्दी से चलते नीचे भाई, कॉम्फी का भी गोल करवा ही देते भाई, वो बेचारी मेरे साथ घूम घूम के गोल ही नहीं कर पा रही। और मैंने अब नोटिस किया कि भाई मैं 10 लेवल का हो चुका हूँ, इसकी वजह से मिथिकल फायर प्लस आ चुका है, 11 लेवल का उल्टा, 10 भी नहीं भाई। ओके आ जाओ मेरे पीछे भाई, घुस जाओ। ओ शिट ओ शिट ओ शिट भाई, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा बोल लिया शायद। और यहाँ पे केशव को अभी गलत टाइम पे कॉल कर दिया यार, लगता है भाई डायनेमिक ने इसको पैसे दिए थे कॉल करने के।
ओके ऑलमोस्ट मेरी अल्टी आने वाली, तो जल्दी से अल्टी चार्ज कर लेता हूँ। और यहाँ पे कॉम्फी अपना जंगल कर रही है बहुत ही प्यारे तरीके से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फनी कि कॉम्फी जंगल बहुत वियर्ड थिंग है और सिल्वियो ऑन लेन बहुत ज़्यादा वियर्ड थिंग थी, बट अच्छा है कॉम्फी को जंगल दिया, इसकी वजह से उसका अच्छा खासा लेवल अप हो गया। तो भाई हमारा प्रॉफिट हो गया, मतलब इसका मिथिकल मैजिकल जल्दी खुल गया। और सिल्वियन तो ऐसे भी अर्ली गेम पोकेमोन है तो उसका तो कुछ ज़्यादा दिक्कत होता भी नहीं, उसका अटैक जल्दी आ ही जाता है, तो भाई फ़ायदा ही हुआ है हमारा। और भाई कॉम्फी निकल कोल कर अपना, ओके बहुत बढ़िया, वापस से चिपक जाएगी भाई, मेरे से अलग हुआ ना तो भाई ख़त्म कर डालेंगे सामने वाले, बहुत ज़्यादा डैमेज है उन लोगों के पास और हीलिंग भी गाँव भर की है, स्पेशली सिल्वर साइथर के मतलब सीजर के पास इसके हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब भाई ये बहुत ज़्यादा गोल कर रहा है तो अब तो उसको मारना ही पड़ेगा। आई थिंक ये मुझे अपने बेस से दूर लेके जाके ये अल्टी चलाने वाला है। हाँ मुझे जो लगा वही हुआ भाई, अल्टी चलानी थी इसको भाई, क्या ही अल्टी चलाई इसने, इसकी ढंग से अल्टी लगी भी नहीं मेरे को। ओके भाई, अरे यार एक तो ये पीछे पड़ा हुआ है, अब मैं इसको ख़त्म करके रोका, आ जा भाई आ जा। ओके भाई कितनी हीलिंग करेगा खुद की, अब भाई अब तो ख़त्म हो जा, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता भाई, बहुत हीलिंग है इसके पास सही बताओ तो, सीधा मरने का नाम ही नहीं लेता। आई थिंक इनका एजेस्लैश ऑफलाइन हो चुका है, क्योंकि भाई पता नहीं है ऑफलाइन क्यों हो गया एजेस्लैश, बट भाई अब 1v1 चलेगा, मतलब 1v2 चलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कर नहीं पा रहा था ये दोनों मिलके भी, तो अभी अकेला क्या ही करेगा पता नहीं। बट फिर भी भाई कॉम्फी है तो भाई काइंड ऑफ मैच तो इक्वल है भाई, कि कॉम्फी अकेली है, मेरे पास हीलिंग ज़्यादा है, उसके पास भी हीलिंग ज़्यादा है, तो मतलब ये मैच इक्वल हो गई भाई, 1v1 हो गया अब, कि कॉम्फी ज़्यादा डैमेज कुछ देती नहीं है खास। ओके अब जल्दी से वापस पुश करने चलते हैं। ओके यहाँ पे ये सीजर घूम रहा है भाई, अब सीजर तो इजीली ख़त्म होगा यार, नहीं भाई एजेस्लैश ऑनलाइन ही है भाई, एजेस्लैश वहाँ पे गोल कर रहा है बहुत बढ़िया, तो भाई वो वहाँ पे गोल कर रहा है, यहाँ पे ये बेचारा डिफेंड कर रहा है, कोई नहीं अब इसको तो हम इजीली ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे ये रेजिला की भी बहुत प्यारा डैमेज दे रहा है, मतलब यहाँ तो 1v3 चल रहा है यार, बेचारा रेजिला की भी हमारी टीम में। ओके इसका गोल हो गया, अब मेरा भी गोल हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ दो का ही गोल बाकी, तो जल्दी से फार्म करने के बाद गोल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको गोल करने की मतलब फार्म देने की जगह खुद फार्म ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ऑफकोर्स मेरी भी अल्टी चार्ज कर रहा हूँ मैं। ओके मैं इसको थोड़ा डैमेज देके दे देता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स कॉम्फी के पास क्या ही डैमेज है। अरे कॉम्फी मेरे से चिपक जा वरना तो ये सब ख़त्म कर डालेगा तेरे को। अरे भाई ये तो जब देखो मुँह पे अल्टी चलाता है सीधा। ओके थोड़ा बच के खेलना होगा मुझे। और भाई ओ शिट ओ शिट ओ शिट, बहुत बढ़िया कॉम्फी के पास जो स्टन है वो काफ़ी यूज़ में आ रहा है भाई मेरे। ओके अब मेरे पास यूनाइट मूव आ चुका है, अगर ज़्यादा करेगा तो सीधा मुंह पे। ओके दो बंदे आ चुके तो अब यूनाइट मूव चलाने ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके ऑलमोस्ट कॉम्फी का यूनाइट मूव भी आने ही वाला होगा, क्योंकि कब से वो फार्मिंग करे जा रहा है, और अब तो भाई फाइट भी हो गई तो भाई अब तो आ जाना चाहिए। शिट भाई मैं बहुत कम HP पे हूँ। ओके भाई कॉम्फी की हीलिंग देख रहे हो, मेरी आधी से ऊपर HP रिकवर हो गई, मतलब कॉम्फी को ज़्यादा ही भाई ब्रोकन पोकेमोन है भाई, इमॉर्टल बना देता है अपने को, बहुत बढ़िया था भाई ये वाला मैच। कॉम्फी जंगल होके भी हम इजीली जीत गए भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा मैच था ये। अब मैं कॉम्फी जंगल एक और बार ट्राई करूँगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। और लाइक कर देता हूँ पहले सबको। ओके और देखते हैं भाई 75 के डैमेज ऑलमोस्ट, और भाई 80 के डैमेज मैंने टेकन है, और 36,000 का ये बहुत प्यारा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।